हेलो दोस्तों, ये है Redmi Note सीरीज का सबसे पॉपुलर फ़ोन। फ़ोन का नाम है Redmi Note 12। आज इस फ़ोन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसका कैमरा कैसा है, डिस्प्ले कैसी है एंड परफॉर्मेंस कैसी है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से। यह बैक साइड प्लास्टिक बॉडी के साथ आती है एंड इसकी फ्रेम भी प्लास्टिक की है। ऊपर 3.5 mm की जैक एंड स्टीरियो स्पीकर है। माइक और IR ब्लास्टर है जिससे आप ACTV वगैरह फोन से ही कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे के साइड सिम कार्ड ट्रे है जिसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं एंड सेकेंडरी माइक है और USB टाइप सी पोर्ट। इसमें IP53 का रेटिंग है जो कि थोड़ी बहुत पानी की कुछ बूंदें पड़ जाएगी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यह 7.9 mm की थिकनेस है एंड 188 ग्राम की इसकी वेट है जो कि हाथ में पकड़ने से काफ़ी लाइट वेट और हल्का फील होगी। यह 6.67 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले है विथ सेंटर पंचुअल डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट, जिससे फोन को चलाते समय आपको काफी स्मूथनेस फील होगी। एंड इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। इसके अलावा इसमें 394 PPI डेंसिटी है एंड 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है जो कि डिस्प्ले की कलर धूप में भी काफी क्लियर दिखाई देगी। बात कर लेते हैं इसकी कैमरा की। यह ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है जो कि इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल की है एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल की है एंड माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल की है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा इसकी 13 मेगापिक्सल की है जिससे आप 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो यह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4Gen 1 के साथ आती है जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। यह 5G प्रोसेसर है जिससे आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं होगी, डे टू डे हवा से बातें करेगी। एंड इसकी परफॉर्मेंस को और भी ताकत देने के लिए इसमें LPDDR4X रैम टाइप है एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप है जिससे कि फोन और भी काफी तेज और स्मूथ चलेगी। परफॉर्मेंस के मामले में तो अच्छा है, आप यदि गेमिंग करते हैं तो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी रहेगी। एंड इसके अलावा यह 5G बैंड को सपोर्ट करता है जो कि फोन की स्पीड काफी अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यह MIUI 13 पर आती है जो कि Android 12 पर रन करती है। बात कर लेते हैं इसकी बैटरी और चार्जिंग स्पीड की। तो यह 5000mAh बड़ी बैटरी के साथ आती है जिसको चार्ज करने के लिए 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ आती है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस 18,000 जो कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा फोन है। यदि आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद।